अबे क्या समझते हो, मेरे से पंगा लिया उसने। 20 रुपए के लिए मोबाइल ले लिया। बेटा अच्छा आदि मानो बंडरो, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, क्या समझ रहा तू। अबे पंकज को हल्के में ले रहेगा बे, ऐसी कई जमीन खरीद डाला बे पंकज ने बे। नो अबे एक जमाना था जब मेरा बाप पटेल हुआ करता था, अच्छा मैं पटेल हुआ करता था। अबे बाप की पटेली तो चली गई, लेकिन पंकज आज भी जिंदा है। एक मिनट मेरी चप्पल। अबे ओह अबे अबे पटेल बाबू, मेरा पटेल। अबे बाप पटेल। नो अरे एक मिनट यार, अबे पेड़ किसने लगाया बे? अरे मेरी चप्पल कहाँ गई? चप्पल पहनता हूँ ब्रांडेड पटेल का लड़का। अच्छा बाप की पटेली चले गई, लेकिन पंकज पटेल, भले ही 10 कुड़ों की बची है पटेली में, लेकिन जिंदगी बीत रही है अपनी बाटल और कुरकुरे में। कुरकुरा खत्म हो गए, लेकिन मोबाइल मेरा चल गया। मोबाइल अभी जाके उसकी ऐसी तैसी करता हूँ। नो अबे क्या समझते हो, अबे 20 रुपए के लिए मेरा मोबाइल ले लिए। अबे बाप का नाम बहादुर पटेल, मैं उसका लौंडा पंकज पटेल। हल्की चीज थोड़ी है। घोसड़ी पे जा रही है अबे ओ बच्चे। चश्मे बद्दू इधर का जा रहा तू। अरे एक्सक्यूज मी, हेलो इन कमिंग, मेरे पास इधर सामने, हेलो कमिंग। अरे नो अरे बेवड़ो, क्या कर रहा है? अबे अरे मेरा दोस्त आ गया, भाई मेरा भाई। अबे अबे एक मिनट, नो माय मिस्टेक माय मिस्टेक। हेलो एक मिनट, अबे खत्म हो गए। दारू को छीना नहीं, धंधा बराबर का करो, और धंधा बराबर का करो, और अपना अपना करो, किसी का कुछ मत करो। नहीं खत्म हो गया, चकना खत्म हो गया, दारू खत्म हो गई। चल तू टेंशन मत ले, तेरा भाई पिलाएगा। अच्छा भले तेरा भाई का मोबाइल गिर भी, लेकिन अभी चट्टी बनाने गिर भी रहने की बाकी है। मैं ओह भी पूरी मेरी उतर गई, तेरी उतर गई, पूरी। मैं उसको चढ़ा देता हूँ। रुक जा अबे रुक जा, ओह एक मिनट मेरा भाई उधर चढ़ा, एक मिनट रुक जा। नो अरे चलो, अरे तुझे पीने का नहीं, मुझे पीने का। अरे मुझे पीने का शौक नहीं, अच्छा पीता हूँ गम बुलाने को। अरे मेरा चकना कब से हुआ है कुछ खत्म नहीं है खाने को। अरे कुछ नहीं है खाने, नमक नमक जोड़ के कर लेंगे, कोई बात नहीं। हेलो भाभी जी, एक्सक्यूज मी, आई एम हेलो। कमिंग तुम्हारे पास माइक है तो। बटे घर के भी सब चलाएंगे साइकिल, पर धोता कोई नहीं है। ओए माँ, तू ही कर गोविंद, कब सुधरेंगे ना? कब नहीं क्या? अभी इसमें नहीं, बागी थोड़ी सी है जिंदगी। कितना स्माइल बचा है इसमें? थोड़ा सा स्माइल, थोड़ा सा बचा है। थोड़ा सा एकदम करते हैं, इसके दो पेग बनाते हैं। हाँ, एक पेग तू मारेगा, एक पेग मैं मारेगा। अच्छा और सबसे पहले तू हैंड पंप मारेगा पानी का जो वाला। एक काम करो पानी। अरे तुम लोग कमाते धमाते हो क्या, बस दारू पी के घूमते रहते हो? हमारी मर्जी, पियेंगे हम क्यों नहीं पियेंगे, रोज पियेंगे, रोज पियेंगे। शादी हो गई? शादी? अरे एकदम जवान लड़की से शादी हुई है। मेरी वाली ज्यादा अच्छी दिखती है। अबे मेरी ज्यादा अच्छी दिखती है, एकदम खूबसूरत। तुम लोग कमाते धमाते तो हो नहीं,
फिर शादी कैसे हो गई तुम्हारी? शादी कैसे सवाल है? शादी कैसे हो गई? एक मिनट सुनो, मैंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से मैंने शादी किया और ये आयरा की अरे इसने तो दूसरी जाति की लड़की से शादी किया। ओह नो, इसको 3,00,000 रुपए मिला। अच्छा, बताओ 25 का बता। 25,000 की हमने दारू पी लिए, फिर भी 3,00,000 रुपए बचा एकदम पूरा। खड़ा बचा अपना। अरे तो आयरा हो, बाल बच्चे होंगे उनके लिए तब भी कमा लो। बाल बच्चे बताओ, बाल बच्चे है ना? देखो मेरे पूरे पूरे 2 बच्चे हैं, जिसमें 1 बेटा और 1 बेटी। हाँ, मेरे बता मेरे। और इसके हाँ, इसके सवा 2 बच्चे हैं। सवा दो? ओह नो, सवा दो मतलब 2 पूरे पूरे हैं और 1 का थोड़ा सा प्रोसेसिंग में मामला चल रहा है, बहुत जल्दी साइड फाइनल हो जाएगी। और रही बात पैसा कमाने की, अरे पैसे तो भैया बहुत कमाए हो, अन्ना सुन्ना पैसा कमाए। देखो कहाँ से ला लिए इतना पैसा? अरे सुनो तो, देखो हमारे यहाँ की डिलीवरी हुई। अच्छा। तो जननी सुरक्षा योजना से कितने पैसे मिले तेरे? 1,500 रुपए मिले थे ना पंकज भाई। जननी सुरक्षा योजना से 1,500 रुपए मिले। अच्छा। और भगिनी श्रम योजना, मेरा श्रम कार्ड भी है, भगिनी श्रम योजना से मिले मेरे को 20,000 रुपए। ओह नो, उससे मैंने 2 किलो का मुर्गा लाया। अच्छा, वो भी सावध का मुर्गा। अबे एक मिनट मुर्गा दिख गया, एक मिनट रुक जा। लो मुर्गा, अबे बहुत बड़ा मुर्गा। और क्या लाया? तो 2 किलो का मैंने सावध का मुर्गा और 2 क्वार्टर रम के लाया, एकदम ब्रांडेड लेग पीस के साथ। मजा आ गया, मजा आ गया था। अरे तो लकड़ बग्गो, बच्चों की पढ़ाई के लिए तो कमा लो। अरे पढ़ाई तो एकदम अनाप शनाप हो रही जी, बिल्कुल VIP, एकदम VIP पढ़ाई हो रही है, पेट भरा खाना मिल रहा है, और किताब कॉपी पुस्तक सब वहीं से, सब फ्री मिल रही है। अरे सरकारी स्कूल की एक बात, अच्छा वहाँ पर पूरा साल खत्म हो जाता है, लेकिन 2 का बड़ा खत्म नहीं होता, ऐसी पढ़ाई हो रही है स्कूल में। और बच्चे, अरे भैया सरकार के तरफ से कपड़े मिल रहे हैं, सफेद शर्ट मिल रही है, खाकी पैंट मिल रहा है, बच्चे स्कूल में अफसर की तरह जाते हैं, अफसर की तरह आते हैं, एकदम VIP। अरे अच्छा हो गया रे मेरे बाप। अरे अक्सर नहीं है, मेरा छोटा सा बच्चा है वो स्कूल जाता है। अरे तो बच्चे बड़े होके कॉलेज करेंगे हैं, उसमें तो पैसा लगेगा, इसके लिए तो कमा ले मेरे भाई। अरे पढ़ाई की तो आप चिंता ही मत करो जी, बिल्कुल नहीं करो। बिटिया हमारी 5वीं कक्षा में, 6वीं में 6,000, 8वीं में 12 और 12वीं में 18,000 और कॉलेज के बाद, अरे कॉलेज के बाद तो पैसा ही पैसा जी। अरे हमारे यहाँ टुक टुक की मम्मी तो बेजा खुश है जी, बहुत खुश है भाभी। वो बोलती है हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी आ गई, पैसा पैसा जब से उसके कदम हमारे घर में पड़े, लक्ष्मी लक्ष्मी आ रही है जी, सुने। और हमारे टुक टुक की मम्मी, उसने शिवराज को अपना भाई बना ली, बेटी ने मामा बना ली, सुने। और हर रक्षा बंधन में राखी बांधने भी जा रही है जी। अच्छा, कैसी बात कर रहे हो? अरे सुनो, बेटी की बिल्कुल टेंशन नहीं है, शादी होगी, इतना जेवर जुटा उसके पास हो गया, देखो उसका 12 बेड़ा हुआ। अच्छा, ये ढेर सारे हाय कंगन कान के नाक के इधर के उधर के जेवर ही जेवर, पैसा ही पैसा। टुक की मम्मी तो बहुत खुश रहती है जी, शाम सुबह से भी टेंशन नहीं। अरे मेरे अलालो भाइयों, oh no! कम से कम बाप के लिए माँ के लिए तो कमा लो। ऐसी बात कर रहे, अरे माँ बाप के लिए तो और भी सरकार ने VIP योजना लाई है जी, सरकार की तरफ से माँ को मिल रही है 600, बाप को मिल रही है 600, दोनों मिला के करीब करीब नोट 1200 कमा रहे हैं। oh no! और अभी अभी तो क्या बोलते, 1,000 रुपए होने वाली, माँ और बाप दोनों खुश, बाप को दे रही है आधा और माँ खुद खा रही है 5 ज्यादा।
लेकिन कोई बात नहीं दोनों को। अरे मेरे भाई हाथ जोड़ता हूँ, कम से कम अपने बाप माँ की तीर्थ यात्रा के लिए तो कमा लो यार। अरे भाई साहब तीर्थ यात्रा के लिए तो स्पेशल बसें खड़ी थी। अरे हमारे मुख्यमंत्री साहब ने एक योजना चलाई है। अच्छा कौन सी योजना? मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ धाम योजना, एक नंबर योजना। ऐसी लग्जरी बसें खड़ी है जी। पिछले महीने हमारे का डोकरा भी गया और मेरी भाई भी गई, और भाई को तो वहाँ देव चढ़ गया जी, चित्रकूट धाम में और अयोध्या में। और बताने लगी वहाँ साक्षात हनुमान जी दिख गए। अरे भैया हनुमान जी के दर्शन करके आई, बहुत ही सुंदर हो गई। मेरी माँ अलग धन हुई, बाप अलग धन हो गया। और घर में प्रसाद लेके आए नारियल चिरौंजी, लोग लुगाई ने खाए, हम भी धन हो गए। बोलो शिवराज सरकार की जय, बोलो मोदी सरकार की जय। अरे थोड़ी बहुत मेरी बच्ची है, अरे थोड़ी बहुत मेरे लिए प्रसाद बच्ची है क्या? प्रसाद बच्ची भाई से पूछना पड़ेगा, मैं पूछ के आ रहा हूँ। अरे रुक 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 रुक, बाद में जाना। नहीं बच्ची होगी चिरौंजी। अरे बाद में लाना, अभी रुक। नहीं लाता हूँ। अरे बाद में ला लेना, मेरे को एक चीज बता। यहाँ तक तो ठीक है, कम से कम अपने बाप माँ की इलाज के लिए तो कमा लो भाई। इसके लिए तो अन्नाव सन्नाव योजना है, बहुत अच्छी योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। हमारा बाप अमर रहे, आयुष्मान बाबा, इसलिए आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए मिलकर बीमा है जी, एकदम 5 लाख पूरे इलाज फ्री। नहीं बाप बीमार होगा तो 5 लाख तक की फ्री इलाज। अच्छा कोई भी बीमारी हो दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत। अरे निकम्मो ये सब तो ठीक है। अच्छा पर तुम एक चीज बताओ मेरे को, तुम लोग इतने अच्छे कपड़े पहन कहाँ से रहे हो? अरे ये तो मत पूछना भैया, क्योंकि ये सिर्फ एक राज की बात है। राज की बात? राज की बात? ये काय का राज है यार? अरे सुनो तो सही, देखो हमारे घर में 2 ID थी। अच्छा एक मेरे बाबू और भाई की ID और एक मेरी और लुगाई की ID। 2 ID थी। 1 लाख रुपए मिले बाबू भाई को और 1.5 लाख मिले मेरे को लुगाई को। तो काम जमा जमा हो गया, पैसा अपने को बीच का बच गया। उससे अपन ने ये कपड़ा खरीद लिया, पैंट खरीद लिए, चप्पल खरीद लिए। दारू पीते तो क्या हो गया, अपन भी VIP जीने को मांगता है, थोड़ा सा स्टाइलिश बनने को मांगता है। अंबानी को एक दिन कदमों में झुका दूंगा, मेरी बात कर। दिख रहा है मेरे को सीधी झुकाएगा तो। सीधी बात करना अंबानी। हेलो भाई तेरे पास था ना? इधर सुन, ओह नो तू दूसरे के पैसे पास करेगा क्या? कम से कम अपने बाप के अंतिम संस्कार के लिए तो कमा लो भाई। अरे अंतिम संस्कार? अरे उसके लिए तो पूरा गांव खड़ा। अच्छा और ट्राली में लकड़ी लाने के लिए मेरे गांव के सरपंच की ट्रैक्टर का डाला, ये बड़ा बहुत बड़ा। मेरा दादा मरा था जी, 2 ट्राली लकड़ी हुई थी पूरी। 2 ट्राली? कितनी ट्राली? 2 ट्राली। 2 ट्राली लकड़ी हुई, जिसमें से मेरा दादा का अंतिम संस्कार 1 ट्राली लकड़ी से हुआ। अच्छा 1 ट्राली लकड़ी तो पूरी बच गई थी। ओह नो अभी भी साल भर से जला रहे, खत्म नहीं हुई है। और अभी तो जी मेरी माँ मरने की बाकी है, मेरा बाप मरने का बाकी है। ओह नो दोरे सही है। देखो इसका बाप मरेगा तो मैं ट्राली घुमाऊंगा। अच्छा मेरा बाप मरेगा तो ये ट्राली घुमाएगा। और तू भी टेंशन मत ले, बिल्कुल टेंशन नहीं ले। तेरा बाप मरेगा तो हम दोनों ट्राली घुमाएंगे। बाप मरने की बात साले, हेलो दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, और हाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो दोस्तों
जो हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि सरकार की इस टाइप की योजनाओं का सदुपयोग करे, इसका दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करे। और हाँ, सरकार से भी गुजारिश है कि इस तरह की ज्यादा योजना, मतलब लोगों को हलाल बनाने वाली योजना भी ना लाए, क्योंकि भैया आपने तो देख लिया ऐसी योजनाएं आएंगी और हम जैसे लोग ऐसी योजनाओं का दुरुपयोग करेंगे। और गोविंद भैया ने अभी देखा ना आपने, बड़े हमारे जी बहुत दुखी, जी बहुत दुखी। भैया योजनाएं हैं तो उनका सदुपयोग करें, उनका दुरुपयोग ना करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।